तो आज हम बात करेंगे शिवम जी डेट की कैलकुलेशंस। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन काफी मजेदार है और काफी क्रिटिकल है, क्योंकि तो याद होगा कि हम जब स्कूल लाइफ में थे तो डेट की कैलकुलेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, खासकर अपनी खुद की एज निकालने तो डेट की कैलकुलेशन आज आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल पे डेट कैसे टाइप करें। डेट टाइप करने के लिए पहले आप देखिए कि आपका कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट क्या है। ये डेट फॉर्मेट है DDMMYY, मतलब पहले डेट, फिर मंथ, और सेम ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, करेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर है तो ईयर डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिर्फ डेट और मंथ डालेंगे, इंटरफेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है, जी सर, उसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है डेट फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने डेट डाला हुआ है 6 अप्रैल 2022, अब आपका सिस्टम अगर MMDDYY पे हुआ, मेरा सिस्टम किस पे है DDMMYY, अगर आपका सिस्टम हुआ MMDDYY तो आपके पास जो डेट जाएगा तो डेट हो जाएगा 4 जून। मेरा जो मंथ है आपका डेट बन जाएगा, और जो डेट है वो मंथ बन जाएगा। ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए हम जो है डेट फॉर्मूले के अंदर देते हैं ईयर 2022 04 मंथ, और ये हमारा दिन 06 डेट आया। अब जो डेट का फॉर्मूले में जो हमने डेट डाला, अब ये किसी भी सिस्टम पे जाएगा तो आपका सेम चीज होगा, किसी भी सिस्टम पे जाएगा तो क्या होगा, सेम डेट दिखाएगा, कोई चेंज नहीं, चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। अब यहां पे मैं ईयर का फॉर्मा लगाते हैं, ईयर स्टैक होके आता है, मंथ का फॉर्मा लगाते हैं तो मंथ स्टैक होके आएगा, और डेट का फॉर्मा लगाएंगे, डेट पे डे माफ कीजिएगा, डे का फॉर्मा लगाएंगे इसमें से डे स्टैक हो गया है, और वापस डेट फॉर्मूले से हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब इसका यूज और भी करेंगे थोड़ी देर में। अब करेंट सिस्टम डेट लाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे का, क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता है और हमेशा ये डेट को मेंटेन रखता है। अब इसमें आगे आता है कि अगर मुझे करेंट सिस्टम डेट में 20 दिन ऐड करने हैं तो इसमें हम +20 करेंगे तो 20 दिन ऐड हो जाएगा, या माइनस करने हैं तो माइनस कर दीजिए तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जी सर, अब मान लीजिए मुझे डेट में 3 महीने जोड़ने, तो 3 महीने ऐसा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई बाय 90 और ऐड कर दे, नहीं, गलत होगा। इसके लिए हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और 3 को सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए ऐड हो गया, डेट फॉर्मेट पे कर देता हूं मैं। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ई डेट का, तो अगर जोड़ने हैं तो प्लस में 3 रख दें, अगर माने 3 महीना घटाने हैं तो माइनस में 3 रख दें तो 3 महीना घट जाएगा ई डेट फॉर्मूले। लेकिन अगर आपके पास 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने, 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने, तो कैसे ऐड करें, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इसके लिए हम एक जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डेट का फॉर्मूला। अब डेट फॉर्मूले में मैं
ईयर फॉर्मूले यूज और इसमें से ईयर को पिक कर लिया कॉमा, मंथ लगाया इसमें से मंथ को पिक कर लिया, और ईयर डे लगाया और डे पिक कर लिया। तो ये तो सेम ऊपर की तरह हो गई जो मैंने अलग अलग किया था, यहां कंबाइन हुआ। अब इसमें मैं ईयर में प्लस फोर कर देता हूं, मैं यहां मंथ में ईयर टू है, माफ कीजिएगा, हाँ ईयर हमारा प्लस टू हो गया, मंथ में प्लस फोर हो गया और डे में प्लस 22 हो गया। ठीक है सर? जी जी सर। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है तो गुड है। हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो एक तारीख की डेट डाल दी और आज की डेट डाल दी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये कितना दिन हो? तो कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, आ गया नंबर ऑफ डेट। लेकिन मुझे इसमें सैटरडे, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी है, डेज डेज नाम का फॉर्मूला है, डेज नाम का फॉर्मूला है, जिसमें एन डेट कॉमा तो डेज का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें सैटरडे एंड संडे जो है ना वो इंक्लूड ना हो, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, नेटवर्क डेज का, नेटवर्क डेज का स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे होलीडे लिस्ट मतलब सैटरडे एंड संडे के अलावा कोई दिन अगर ऑफ है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उस डेट का आपको यहां दिखा देगा ऑफ। कितने दिन एग्जैक्ट वर्किंग डेट है सैटरडे एंड संडे, और एच कॉलम में जो डेट हम डालेंगे उस डेट के अलावा, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त का लिस्ट हम यहां डाल दें, कितना दिन हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में सैटरडे एंड संडे ऑफ नहीं होता है, तो उस केस में यहां पे networkdays.intl लेते हैं इंटरनेशनल, फिर स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे आप सिलेक्ट करते हो अपना होलीडे कि कौन सा छुट्टी है आप। तो मान लीजिए मैंने संडे को सिलेक्ट किया, मतलब इसका सीरियल नंबर 11 कर दिया और हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। तो इसने संडे को छोड़ के बता दिया कि कितने नंबर ऑफ डेज है। समझ सर? जी जी सर। डाउट इसमें? नो सर। अब इसमें अगला क्वेश्चन इसमें आता है, वही जो मैं शुरुआत में बताया कि भाई एज कैसे निकालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है शुभम जी? सर 10 दिसंबर 2002। चलिए तो 10 दिसंबर 2002, कोई बात नहीं, शर्माइए नहीं कि बैच में कोई लड़की नहीं है जो आपका एज जान जाएगी। अब यहां पे आज का डेट होगा, अब मुझे आपकी एज निकालनी है कि आप कितने साल कितने मंथ और कितने दिन के हैं एग्जैक्ट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेट डी आई एफ, ध्यान रखिएगा डेट डी आई एफ फॉर्मूला एडिंस फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ देखिए एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है और एंड डेट सेलेक्ट करना है मतलब करेंट डेट, और यहां आप इन्वर्टेड कमा में वाई देंगे तो आपको बता देगा कि आप कितने साल के हैं। फिर यहां पे डेट डी आई एफ लगाया और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब मैं यहां पे अगर एम लगा देता हूं तो एज इन मंथ आ जाए 231 महीना, बट मुझे चाहिए 19 साल के बाद कितना मंथ है, तो मैं यहां पे वाई डाल देंगे, तो वाई एम वाई को इग्नोर करेगा और
एम यहाँ दे देगा, तो कि 3 महीना। और सेम हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला डेट डी आई एफ ब्रैकेट ओपन, हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा इसको सेलेक्ट किया। अब अगर मुझे डेट चाहिए तो आप बोलेंगे सर वाई एम डी लगा दो, नहीं गलत होगा, हमें दो ही देना है एम डी मतलब कि मंथ के बाद का डेट, अगर सिर्फ डी करोगे तो एज इन डेट आ जाएगा, इसलिए एम डी। तो आपकी एज हो गई 19 साल 3 महीना 27 दिन। मुबारक हो सर, मिठाई खा लीजिएगा मेरे तरफ से। शुभम जी, जी सर, एज निकालना सीख गए? जी सर। तो डेट इफ फॉर्मूला के, डेट डी आई एफ फॉर्मूला की मदद से, कुछ लोग उसको डेटेड इफ भी कहते हैं बट उसको डेट डी आई एफ कहते हैं, डिफरेंस का डी आई एफ, डेट डिफरेंस जो फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप कोई भी डेट, एक डेट के बीच का कोई भी इंटरवल आप निकाल सकते हैं कि क्या इंटरवल है। ठीक है जी, जी तो समझ में आ गई। तो अभी जो मैंने बात की वो डेट की कैलकुलेशन पे बात की, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, कल हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन पे, और फिर आपका टेक्स्ट और डेट के ऊपर एक टेस्ट होगा, जैसे इफ का मैंने टेस्ट लिया था।